दुर्जन सिंह, तूने मेहरबान सिंह की प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है। शादी का जश्न मनाया है तो देख, आज ये डाकू मेहरबान तुझे इस मंडप पर नष्ट नाबूद करता है। हरामजादे, आज तेरी जिंदगी ये डाकू मेहरबान से छीन लेगा। कम्बक मैं तुझे मिटाता हूं। रुक जाओ। अरे कमीने कंचरा पाजी बेईमान, इस मंडप के बेदी को बना रहा संस्थान। हराम जादे, कान खोल करके सुन ले, और डाकू मलखान के आगे ये नहीं हो पाए। डाकू मलखान के आगे ये नहीं हो पाएगा। इनकी खुशियों को ना अब कम में बदल पाए आ पाएगा। तो इसका मतलब कि मेहरबान सिंह के समक्ष दखलबाजी करने के लिए बिहार से डाकू मलखान सिंह आ गया। डाकू मलखान, वाह मलखान, मेहरबान सिंह से टकराने आए हो तो सुन लो मेहरबान सिंह का भी फैसला क्या है। क्या है तेरा फैसला? और चाहे भगवान भी पृथ्वी पर उतर आवे आवेगा, चाहे भगवान भी पृथ्वी पर उतर आवेगा, मौत से इनको कोई फिना बचा पावे हाँ पावेगा। मेहरबान सिंह, मेहरबान सिंह ने प्रतिज्ञा किया है, कसम खा है कि मैं जूनागढ़ के अंदर किसी को खुशियों के गीत नहीं गाने दूंगा, शादी विवाह नहीं करने दूंगा और ना ही कोई शहनाइया बजा सकता है। मेहरबान सिंह, जूनागढ़ का हर शख्स खुशियों के गीत गाएगा, शादी विवाह रचाएगा, और जो कोई दखलदाजी करने की कोशिश किया उसे ये जिंदा मलखान सिंह जमीन में दफनाएगा। मलखान, ये मेहरबान सिंह की प्रतिज्ञा है कि कोई शख्स खुशियों के गीत नहीं गा सकता। माने कसम खाया है, भाभी माँ के चावलों की सौगंध खाया है कि खुशियां मनाने वाले शख्स का नाम निशान ये डाकू मेहरबान सिंह खत्म कर देगा। मेहरबान सिंह, फिर आज दो में एक होगा, या डाकू मलखान या डाकू मेहरबान। मलखान, ये तुम्हारी शर्त और ये तुम्हारा चैलेंज डाकू मेहरबान सिंह को स्वीकार है। अगर तुझे स्वीकार है तो रख अपनी बंदूक। ये डाकू मलखान भी अपनी बंदूक रखता है, खींच ले म्यान से तलवार, फैसला तेरा मेरा हो जाएगा। मलखान, आज जिसे माँ भवानी देगी वही की प्रतिज्ञा अटल होगी। आओ मलखान। हरिया, हम दोनों के बीच तू गोली नहीं चलाएगा। अगर मैं इसके हाथों मारा जाऊं तो सीधे बिहार वापस चले जाना, लेकिन गोली मत चलाना, फैसला इसका मेरा है। आओ मेहरबान सिंह, आओ सामने आओ। अगर तुम दोनों पे लड़ाई नहीं बंद करोगे तो मैं अपने आप को गोली मारूंगी। नहीं लड़की, तू अपने आप को गोली क्यों मार रही है? इसलिए
तुम दोनों मेरे धर्म के भाई हो। क्या? धर्म के भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों तेरे धर्म के भाई हैं? एक भाई ने मेरी जान बचाई और एक भाई ने मेरी इज्जत। कौन भाई तेरी जान को बचाया और कौन तेरी इज्जत? मलखान ने मेरी जान बचाई और मेहरबान मेरी इज्जत, इसलिए कि तुम दोनों मेरे धर्म के भाई हो। अगर रुक जा, रुक जा, मैं लड़ाई बंद करता हूं। मेहरबान सिंह, ये तो अच्छा हुआ इस लड़की ने धर्म का भाई बनाकर मेरे हाथों को मजबूर कर दिया, वरना आज दो पैरों से चलकर आया था, चार कंधों पर लटकर जाता। मलखान, इसी बात का तो अफसोस डाकू मेहरबान सिंह को भी है, जो कि इस लड़की ने हम दोनों को धर्म का भाई मान लिया। इस वजह से मेहरबान सिंह भी मजबूर है। जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना मलखान, और ये मत समझना कि मेहरबान तुमसे हार मान कर जा रहा। तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब ये डाकू मेहरबान सिंह तुम्हें जरूर देगा मलखान। अच्छा, उस दिन का इंतजार ये डाकू मलखान सिंह हमेशा करेगा। इंतजार करना मलखान, ये मेहरबान सिंह जरूर आएगा। ठहरिए, ठहरिए मेहरबान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ बोल लड़की, मुझसे क्या कहना चाहती है? भैया, आज तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में राखी बांधेगी। हाँ। धर्म का भाई बनाकर दोनों के हाथों में राखी का धागा बांध रही है, तो ठीक है, ये डाकू मलखान सिंह भी तुझे आज के बाद हमेशा अपनी धर्म की बहन समझेगा। ठीक है भैया, ले बांध ले। भैया, इसका मतलब कि अपने धर्म के भाई डाकू मेहरबान सिंह के हाथों में भी अपने हाथों से राखी का धागा बांधना चाहती है। हाँ भैया, तो ठीक है, धर्म की बहन बांध अपने धर्म के भाई डाकू मेहरबान सिंह के हाथों में राखी का धागा। रखिया बांधा ले भैया, सावन आयो, जिया तू राखी बा जीत हो। धर्म की बहन, तूने सिर्फ राखी बांधने के लिए अपने धर्म के भाई से इजाजत लिया भैया, ना कि खुशियों के गीत गाने के लिए इजाजत लिया, क्योंकि खुशियों के गीत से मुझे सख्त नफरत है। अगर मेहरबान सिंह के सामने कोई खुशी भरा गीत गाएगा, ये डाकू मेहरबान उसे सदा सदा के लिए खत्म कर देगा। मेहरबान सिंह, इस लड़की ने पवित्र धागे में मुझे बांध जरूर रखा, जरूर रखा, लेकिन मैं हमेशा तुझे उसी दुश्मन की हैसियत से समझूंगा। और मलखान, जब तक के मेहरबान सिंह की प्रतिज्ञा नहीं पूरी होगी, तब तक मैं भी तुझे दुश्मन की हैसियत से समझूंगा। इस लड़की ने दोनों को धर्म का भाई जरूर माना, लेकिन जब तक प्रतिज्ञा नहीं पूरी होगी, तब तक मैं कोई खुशियां, शादी, विवाह, शहनाइयां नहीं बदलने दूंगा। चाहते चाहते इतना याद रखना, आज के बाद कभी भूल कर जूनागढ़ के तरफ तेरे कदम पड़े नहीं। जा सकता है, जूनागढ़ में डाकू मेहरबान बराबर आता रहेगा और हर शख्स की खुशियों को छीनता रहेगा। ए लड़की, भैया क्या नाम है तेरा? भैया मेरा नाम गीता है। गीता? हाँ भैया। कितना प्यारा नाम, गीता। गीता, आज तूने डाकू मलखान को नहीं
बल्कि मेरे दिल को जीता। तूने मुझे धर्म का भाई कहा, आज ये डाकू मलखान सिंह तुझे धर्म की बहन मानता है। तुझ पर किसी तरह की मुसीबत आए, मेरी प्यारी बहन इस डाकू मलखान सिंह को याद करना, हंसते हंसते गर्दन कटा दूंगा, लेकिन तेरे ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तू जा सकती है। हरिया हरिया चलो चलते हैं बिहड़ की तरफ, आ मेरे साथ। जय मां। अरे बेटी रंजना, आ गुड़िया, मैं तुझसे ना कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरूरी बात? हाँ। वो कौन सी? मैंने तुमसे बिना पूछे मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या? कल तुम्हारी बारात आ रही है कानपुर से, और हाँ तुम्हारी जो भी सखी सहेलियाँ हो उनको जाके इनवाइट कर देना, ताकि ये ना कह सके कि रंजना तूने चुपके से शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। ठीक है माँ। क्योंकि ढेर सारी खुशियाँ मनाई जाएंगी। क्यों नहीं? शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, इस बात को भूलना नहीं, मेरी बात को जरूर गौर कर याद रखना। ठीक है, ठीक है ना? जाके अपनी सखी सहेलियों को इनवाइट कर दे। ठीक है, ठीक है ना? आप कौन? घबराइए नहीं महारानी जी। नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं किस लिए आपके राजभवन में आया हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। लोग मुझे डाकू मेहरबान सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू मेहरबान सिंह? घबराइए नहीं महारानी जी, घबराइए नहीं। डाकू का नाम सुनकर आप हैरत में पड़ रही है, आप दहशत में पड़ गई। डाकू तो मेरा वास्ता ही कोई नहीं। महारानी, आपसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मेरा कोई आपसे लेना देना है। मैं आपके सिर्फ जूनागढ़ में रहता हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा। अपने दिल में सोचा हाँ। कि मैं चलकर राज्य भवन में महारानी जी से मुलाकात करूँ। चले तो अच्छी बात है। और यहाँ आकर देखा, अपने कानों से सुना तो आप कोई शादी के विषय में चर्चा कर रही है। अरे हाँ, ये तो अच्छी बात, आज बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। कल ना मेरी बेटी रंजना की बारात आ रही है कानपुर से, और अच्छा हुआ वक्त पे तुम भी आ गए। अच्छा, आज अच्छा। मैं तुम्हें भी इनवाइट करती हूँ, कल भोजन पे तुम भी आ जाना। हो, अरे बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाएंगी। हाँ, तो इसका मतलब कि आपकी बेटी और राजकुमारी रंजना की शादी होने वाली है। हाँ, कल ही बारात आने वाली है। हाँ, कानपुर से बारात आएगी। कानपुर से आएगी और धूमधाम से आपकी बेटी की शादी होगी। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, धूमधाम से नहीं करूंगी और कैसे मनाऊंगी। मान खुशी है, आपने शादी के शुभ अवसर पर हमें आमंत्रित किया है। शुभ अवसर पर मैं जरूर आऊंगा। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी, शादी में कोई विघ्न नहीं पैदा कर पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन महारानी जी। हाँ। आपकी बेटी है कहाँ, एक नजर में उसे देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी को? हाँ जरूर दिखाऊंगी, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। हाँ है आपकी बेटी। ये है मेरी बेटी। हो तो महारानी जी, ये आपकी बेटी राजकुमारी रंजना है। हाँ। वाह महारानी जी वाह, इसका मतलब कि आपकी बेटी राजकुमारी रंजना बिल्कुल शयानी हो चुकी है, आपके कद के बराबर हो चुकी है। हाँ। महारानी जी, आपने अपने दिल से जो कुछ फैसला लिया अच्छा किया। कहते हैं कि शयानी बेटी को घर में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे तभी तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी की शादी कर दूं, कल क्या भरोसा मुझे कुछ हो जाए। क्यों नहीं महारानी जी, ये माता पिता का फर्ज होता है कि शयानी बेटी के हाथ पीले करके जितनी जल्दी उसे ससुराल को भेज दे, ताकि माता पिता के सर का भार दूर हो जाए। आप तो बहुत समझदार लगते हैं। आपकी बेटी रंजना की शादी होगी। हाँ। महारानी जी, क्या आपकी बेटी रंजना को मैं नजदीक से देख सकता हूँ? नजदीक से? हाँ, मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बेटी हमारे समक्ष लाओ। तुझे कुछ करीब से देखना चाहते हैं? मुझे? हाँ। अरे डरने की बात नहीं हूँ, मैं हूँ ना, तुझे डरने की कोई बात नहीं। जब मेरी माँ तो मुझे डरने की हाँ, बात। जाके बात कर लो। हो राजकुमारी जी। ये मेरी बेटी। ये आपकी बेटी राजकुमारी रंजना है। हाँ। घबराओ नहीं रंजना जी, तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, शादी में कोई विघ्न नहीं पैदा करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। डोरी में बैठकर
दुल्हन बनकर ससुराल जाओगी, सपने साकार होंगे। महान खुशी है मुझे, महान खुशी है महारानी जी, जो आपकी बेटी की शादी। देखिए ये क्या कर रहे आप, कि मेरी एक ही बेटी है, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। माने खुद गुमराह किया इसीलिए कि आपकी बेटी को उठाकर रह जाऊंगा। समझ कीजिए, शादी करने का प्लान आपने बना रखा है, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मेहरबान सिंह ने कसम खाया है महारानी कि मैं किसी बहन बेटी की डोरी नहीं उठने दूंगा, और आप बेटी की शादी करेंगी। अरे मैं कहती हूँ कोई है जो मेरी बेटी को बचा ले। महारानी जी, अगर तुम्हारी जबान खुली और मेहरबान सिंह की उंगली हरकत कर गई तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कुछ नहीं सुनेगा, तेरी बेटी को उठा कर ले जा रहा। जो कुछ सपने सजा कर रखा सारे सपने टूट कर बिखर गए, और मेहरबान ऐसे वक्त तुझे उठा कर ले जाएगा। मेरी बेटी क्या करूं और किससे मदद मांगूं, हरी मोरी चिरैया रे। अरे महारानी जी, काहे को चिल्ला रही हो महारानी जी, आखिर क्या बात है? अरे क्यों ना चिल्लाऊं, एक मोटा मोटा डाकू आया और मेरी बेटी को उठा के ले गया। अभी मेरी वो फूल सी बच्ची है, ना जाने क्या करेगा वो, जल्दी जाइए और मेरी बेटी को ले आइए। घबराओ नहीं महारानी जी, वो डाकू किधर को गया उसका पता बताओ और मैं उसका पीछा करता हूँ। अरे जूनागढ़ की पूरी फोर्स लगा दूंगा, वो हरामखोर मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। इसी वक्त पीछा करता हूँ महारानी। हे भगवान, मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। हर एक बार जूनागढ़ के वास्ते मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, कुछ भी मेरी बेटी को हुआ तो याद रखना इस जूनागढ़ में आग लगा दूंगी, आग। राजकुमारी रंजना, जो डाकू मेहरबान सिंह तुझे तेरे राजभवन से उठाकर अपने बीहड़ में लाकर छोड़ दिया, नजर उठाकर देख चारों तरफ घना जंगल ही जंगल नजर आएगा। तेरे जूनागढ़ का कोई भी शख्स हमारी घाटी पर नहीं आ सकता। अगर कोई भी चल करा तो मेहरबान सिंह उसे नष्ट नाबूद कर देगा। सपने सजा कर रखी थी, सम्मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अपने दिल में सपने सजाया था, सम्मत करो। डोरी में बैठकर दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी, पति की बाहों में ऐश की जिंदगी बिताएगी, लेकिन सारे सपने टूट कर बिखर गए। रंजना, ये डाकू मेहरबान सिंह उठा कर लाया है तो आज तेरे साथ क्या करेगा वो सुन, मेहरबान सिंह खुद बता रहा। क्या करोगे रंजना? कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहां तेरा दुश्वार है। ले बुला इस दम तू अपने हमदर्द को, ले बुला इस दम तू अपने हमदर्द को, देखता हूँ तेरा कौन मददगार है। जिसे याद करना है याद कर, तेरी मदद करने कौन आएगा रंजना, कौन आएगा? ऐसा मतलब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि हाय तुम्हारे सिवा कौन मेरा यहाँ, हाय तुम्हारे सिवा कौन मेरा यहाँ, या कि दूजा वही मेरा करतार है। खाके कह
कहती हूँ ब्रह्मा व शिव की कसम, खाके कहती हूँ ब्रह्मा व शिव की कसम, आज से ही तू मेरे हरतार हो। रंजना, ये तूने क्या किया? हमारे अच्छा चरण, हमारे चरणों की धूल अपने मन का सिंदूर तूने बना लिया। हाँ तो भाई, मैंने अपना पति स्वीकार किया। लेकिन तूने क्यों ऐसा किया रंजना, क्यों ऐसा किया? अपने दिल में घबरा गई, सोच लिया कि डाकू मेहरबान सिंह वाकई में तेरी इज्जत बर्बाद करने जा रहा है। ऐसा नामुमकिन था। अरे मैं कोई इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं रंजना जो कि मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर देता। मैं तुझे तेरे राजभवन से उठा कर लाया था सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। जिस दिन हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती, हमारे भाभी माँ का कातिल मेरे हाथों से मिट जाता, हमारी बिछड़ी हुई बहन जिस दिन मुझे मिल जाती, उसी दिन बाइज्जत तुझे तेरे राजभवन में पहुंचा देता। लेकिन तू घबरा गई, दहशत में आ गई और हमारे चरणों की धूल अपने मन का सिंदूर बना लिया। इसे रंजना, जो कुछ किया तुमने ठीक किया। अब तुम हमारी इस घाटी से अपने राजभवन वापस जा सकती हो। मैं नहीं जाऊंगी, अगर जाती हूँ तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, यही कहेंगे कि एक डाकू के साथ गई है, इसकी इज्जत नहीं बची होगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भी सोचना सत्य है रंजना। अगर इस हालात में तुम हमारी घाटी से अपने जूनागढ़ राजभवन की तरफ गई तो लोग तुम्हें देखकर खिल्लियाँ उड़ाएंगे, लोग ताने मारेंगे और यही कहेंगे कि रंजना को एक डाकू उठा कर ले गया है, इसकी इज्जत नहीं बची होगी, तुम्हें मजबूर कर देंगे लोग। ठीक है रंजना, अगर तुम राजभवन नहीं जाना चाहती तो हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी गुफा में छोड़ दूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जूनागढ़ में भ्रमण करूंगा, भाभी माँ के कातिल को ढूंढूंगा, पिछड़ी हुई बहन को ढूंढूंगा, और जिस दिन हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई उस दिन बाइज्जत तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, माँ के मंडप पर ले चलूंगा और माँ को साक्षी मानकर अपने हाथों से सिंदूर तुम्हारी मांग में डालकर तुम्हें सदा सदा के लिए सुहागन बनाऊंगा और आजीवन के लिए मैं अपनाऊंगा रंजना। ठीक है, अभी कोई खुशियां नहीं मना सकता क्योंकि मैं दूसरों को खुशियां मनाने के लिए खुद रोकता हूँ, तो अपनी खुशी में नहीं मना सकता। क्यों? आओ रंजना, तुम्हें चलकर अपनी गुफा में छोड़ता हूँ और अपने भाभी माँ के कातिल को छोड़ता हूँ। चलो आओ मेरे साथ।